सबसे पहले हम बीटी यूपी की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर हमने जब वेबसाइट ओपन करना है, ओपन करने के बाद हम जाएंगे ई सर्विसेज जनहित वाले कॉलम में, जिसमें हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन आएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, उसको वेरीफाई करना है। एनरोलमेंट नंबर डाल के उसको वेरीफाई करना है। ये हमने एनरोलमेंट नंबर डाल दिया के बाद उसको हम वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है कि यही दोनों आपका यूज़ हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल के हम गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा कि क्या हमारी डिटेल्स हैं। ठीक है, जब हमने गेट स्टूडेंट डिटेल की तो आपका नाम, कॉलेज नेम, ब्रांच लिख के आ जाएगा। पासवर्ड में आप नया अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और रजिस्टर कर देंगे, फिर आप रजिस्टर पर जाएंगे। आपने जो पासवर्ड डाला है उसी को हमें यूज़ करके लॉगिन करना है। ठीक है, होम पेज पर जाएंगे, स्टूडेंट लॉगिन, फिर आप यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालिए। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद उसमें अपना पासवर्ड डालिए जो आपने क्रिएट किया है, और फिर उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने पर आपको यहाँ दिखेगा सेवाएं दिख रहा है। ठीक है, और छात्रों के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं आप क्या सेवा यूज़ करनी है। अभी आपको मार्कशीट करेक्शन कराना है तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट में आप अपना रेक्टिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर अपना जो भी सही है वो देख लेंगे और जो आपको अपडेट करना है वो टाइप कर लेंगे, और हाई स्कूल की मार्कशीट अपडेट करके अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन कर देंगे तो वो संस्था की लॉगिन पर पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से संस्था आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर देगी आगे, फिर उसके बाद कुछ दिन में आपका ये सही हो जाएगा और फिर उसके बाद आप लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये थी प्रोसेस करेक्शन की। ठीक है, थैंक यू।